सपाएमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने किया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जन्म जयंती पर माल्यार्पण। गांधी पार्क में उनके साथ एकजुट हुए सपा के कई कार्यकर्ता, कहा सही समाजवाद लाने को उनके पद चिन्हों पर चलने की महती आवश्यकता। फिरोजाबाद मंगलवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जन्म जयंती पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपाएमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव के साथ गांधी पार्क स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सपाएमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने कहा समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब की जन्म जयंती पूरे प्रदेश में कार्यालयों पर मना रही है। इसके पीछे यही आशय है कि लोहिया जी के विचारों पर चलना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उनके पद चिन्हों पर चलने का काम किया। सही समाजवाद लाने को लोहिया जी के विचारों पर चलने की महती आवश्यकता है। कार्यालय पर भी गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आज राम मनोहर लोहिया साहब की जयंती है और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में हर कार्यालय पे, प्रदेश कार्यालय पे सब जगह जयंती मना रही है। इसके पीछे यही आशय है, लोहिया जी के विचारों पर चलना चाहिए। और समाजवादी ने पार्टी ने हमेशा, हमारे नेताओं ने हमेशा लोहिया जी के विचारों पर चलने का काम किया है। प्रत्येक कार्यकर्ता लोहिया जी के बारे में विचार पढ़ता है, सुनता है, समझता है, उसी के उन्हीं के पचलों पर चलने का काम करता है। मुझे लगता है सही समाजवाद लाने के लिए लोहिया जी के विचारों की पर चलने की बहुत ज़रूरत है। प्रत्येक व्यक्ति को लोहिया जी के विचारों को पढ़ना चाहिए, अमल में लाना चाहिए। और आज हम जिला कार्यालय जा रहे हैं, यहाँ मूर्ति है, मूर्ति साफ करा करके यहाँ माल्यार्पण किया गया। उसके बाद हम लोग कार्यालय पर जा रहे हैं, कार्यालय पर गोष्ठी है। गोष्ठी में पूरी तरह से इनके विचारों के पर विचार विमर्श किया जाएगा, गोष्ठी बात की जाएगी, इनके विचार रखे जाएंगे, जिससे हमारे आने वाले नई पीढ़ी, नए बच्चे, पार्टी में जो नए नए लड़के हैं वो सब सीखने का काम करें, इनके पक्षों पर चलें। सर, हमारे फिरोजाबाद ज़िले में काफ़ी जो शहीदों की मूर्तियाँ जो काफ़ी क्षतिग्रस्त स्थिति में है, उन विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इस विषय में कहना चाहूँगा, सरकार कतई ध्यान नहीं दे रही है। मूर्ति तो लगा देती है, लगाने के बाद न कोई सफाई, न कोई उनका रखरखाव। ये हम लोग नगर निगम से भी मांग करेंगे, जहाँ जहाँ मूर्ति लगी हैं उन मूर्तियों का रखरखाव करना बहुत ज़रूरी है। और नहीं रखरखाव करेंगे तो हमें लगता है ऊपर वाला भी इनको माफ़ नहीं करेंगे।